आज धनगर समाज को गैर समाज से राजनीति साथ नहीं मिल रहा है। परिणाम यह होता है कि जब धनगर समाज राजनीति में खड़ा होता है तो कुछ समाज तो धनगर कैंडिडेट के राजनीति में होने से इतना चिढ़ते हैं कि उनको वोट ही नहीं देते। वो सोचते हैं कि अगर धनगर समाज को वोट दे दिया तो धनगर समाज भी वैल्यू बढ़ जाएगी या धनगर समाज के इस कैंडिडेट की वजह से उसकी बिरादरी को टिकट नहीं मिला, हम धनगर समाज को वोट नहीं देंगे। इन तमाम कारणों से तंग आकर धनगर समाज ने हुंकार भरी और अपने छोटे छोटे दल का एकत्रित किया या राजनीति में आने के लिए उत्तेजित किया, जिसके पीछे कई कारण हैं। गैर समाज के विधायकों या सांसदों से जब धनगर समाज को मदद की जरूरत पड़ी तो इन हरामखोरों ने तरह तरह के ताने या साफ साफ मना कर दिया और इनके इस जरा से नाने धनगर समाज को कहीं भूमि से भूमिहीन कर दिया। किसी दबंग लोगों के धनगर जमीन पर कब्जा करने या दबंगों के परेशान करने से किसी वजह से सरकार ने धनगर की जमीन ले ली। अगर कोई नेता उनका साथ देता तो शायद सरकार उनकी जमीन छोड़ देती, क्योंकि बहुत लोगों की जमीन किसी विधायक या सांसद की मदद से लोग चुदा लेते हैं। या किसी न किसी और अन्य कारण से धनगर समाज को अपनी खुद की जमीन से हाथ धोना पड़ा। इन्हीं धनगर समाज के वोटों के भिखारियों से तंग आकर धनगर समाज ने राजनीति में कदम रखा और उत्तर प्रदेश में तो जैसे धनगर समाज बिगुली बजा दिया। यहां धनगर समाज के कई विधायक, राज्यसभा, लोकसभा सांसद, M0L0C0, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री बने, परंतु समाज का पिछड़ापन दूर न हो सका। अगर धनगर समाज आजादी के टाइम से राजनीति में आता तो शायद गैर समाज की तरह आज हम भी धनगर गवर्नमेंट चलते, हमारे भी नेता ताकतवर होते, हम कई पार्टियों के वोट बैंक होते। या जब भारत आजाद हुआ था तो कोई अपना धनगर समाज का नेता होता जो अपने धनगर समाज की स्थिति को सरकार के सामने रखता तो शायद आज हम अनुसूचित जनजाति में होते, क्योंकि धनगर समाज एक घुमाकर समाज था और आज भी है। आज गैर समाज के लोग धनगर समाज का वोट लेने के लिए नए नए फंदे अपने रहे हैं, जैसे धनगर समाज के सरनेम का उपयोग कर रहे हैं। के लोग धनगर समाज का वोट लेने के लिए नए नए फंदे अपने रहे हैं, जैसे धनगर समाज के सरनेम का उपयोग कर रहे हैं। जैसे नारायण पाल खटिक समाज से है, यह उत्तराखंड के विधायक रहे हैं। राघव लखन पाल ब्राह्मण समाज से है, यह सहारनपुर से विधायक है। जगदम्बिका पाल ये राजपूत समाज से है, यह डुमरियागंज से सांसद है। मोहन पाल खटिक समाज से है, उत्तराखंड की भीमताल सीट से थे। मुनसीराम पाल खटिक समाज से है, बिजनौर से सांसद रह चुके हैं। धनगर समाज का अंग कौन कौन है और किस नाम से जाने जाते हैं? उत्तर प्रदेश के पाल, बघेल, गडेरिया, धनगर। मध्य प्रदेश के पाल, बघेल, गडेरिया, गदर, होलकर। मध्य प्रदेश में बघेल किस जातियां लगाती है, जैसे बघेलखंड, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल आदि जिले के राजपूत। विदिशा के S0T0, जबलपुर मंडल के S0C0 और कुछ जंगली जातियां। महाराष्ट्र के धनगर, हटकर, होलकर। उत्तराखंड के पाल, गडेरिया, धनगर। उत्तराखंड में पाल टाइटल कुछ पहाड़ी जातियां लगाती है जो धनगर समाज का अंग नहीं है। खटिक समाज भी वह पाल टाइटल का उपयोग करता है। उत्तराखंड के कुछ राजपूत भी पाल शब्द का प्रयोग करते हैं। राजस्थान के पाल, बघेल, होलकर, गडेरिया। राजस्थान में बघेल कुछ राजपूत जातियां भी लगाती है। राय का, रेबारी, मलधारी समाज ने अपने आप को अभी धनगर समाज का अंग नहीं माना है। उनके रीति रिवाज गडेरिया समाज से अलग है। उनके शादी ब्याह भी अलग रीति रिवाज से होते हैं। जोधपुर जिले में धनगर समाज व रेबारी समाज दोनों है, परंतु दोनों समाज अपनी बेटी एक दूसरे समाज में नहीं बहते। इससे पता चलता है दोनों भिन्न भिन्न जातियां हैं। राजस्थान की O0B0C0 लिस्ट में ये दोनों जातियां अलग अलग है। दोनों जातियों का जाति प्रमाण पत्र अलग अलग बनता है।
गुजरात में गडेरिया, धंगर, होलकर। गुजरात में बघेल या बाघेला या वाघेला राजपूत लोग लिखते हैं। भरवाद समाज भी रेबारी समाज की तरह भिन्न है। धंगर समाज मूलवंशी नागवंशी समाज के लोग हैं। इतिहास पढ़ा जाए तो दुनिया की पहली जाति नागवंशी थी, भारत से पूरे देश में फैली थी। धंगर समाज के महान बौद्ध सम्राट गौतम बौद्ध थे, वो धंगर समाज के थे। भारत और कई देशों में धंगर जाति के लोगों के शासन था। आर्य लोगों ने भारत देश पर आक्रमण करके पूरा नष्ट कर दिया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना सुनील बघेल दुर्गापुर से, धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।